हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। आज जो हम एमसीक्यूज करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल चैप्टर। यू ऑल नो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करूँ या अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्जाम का उसके बेसिस पे भी बात करूँ तो 2 से लेके 4 क्वेश्चंस, जितना भी आपका एग्जाम में ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस है, 10 मार्क्स है या 15 मार्क्स है या 20 मार्क्स है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए ये चैप्टर हमारे पास है ही सिलेबस में, राइट? तो 2 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे ही, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी वास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये सभी प्रीवियस ईयर्स बेस्ड हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स प्लस जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है SI का एग्जाम, उसमें भी कुछ जो क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए थे मैंने वो इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में से नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है। सो अच्छे से सब लोग क्वेश्चंस देखिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी, ऐप पर भी मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यस, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, MCQs हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई प्रॉमिस कि मैं अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहे MCQs। कुछ 3 से 4 टॉपिक्स हमारे कंप्यूटर सेक्शन के बचे हैं, उसके MCQs कवर करने के बाद हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, और हर टॉपिक वाइज जितने भी हमारे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एग्जैक्ट JKSSB पैटर्न जो पेपर्स के क्वेश्चंस हैं हम लोग वो करेंगे, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट कंप्यूटर एंड इंग्लिश सेक्शन। चलिए, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। द अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डैश मे वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर यूज्ड। एक कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है, वेरी मतलब बदल जाती है, चेंज कर जाती है थोड़ी बहुत, डिपेंडिंग अपॉन द ब्राउजर यूज्ड। तो किसकी अपीयरेंस चेंज होती है? वेबसाइट की। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कभी कोई वेबसाइट आप लोग गूगल क्रोम से ओपन करें, या वही वेबसाइट आप लोग ओपेरा से ओपन करें, या वही वेबसाइट किसी और वेब ब्राउजर से ओपन करें, तो आपको थोड़ा बहुत उसकी अपीयरेंस में चेंज दिखता ही है ना। हमारे पास मोबाइल में ओपन करें तो अपीयरेंस अलग होता है, हम लोग लैपटॉप पे ओपन करें अपीयरेंस अलग होता है। तो बेस्ड ऑन द ब्राउजर, ब्राउजर के यूजेज के अकॉर्डिंग वेबसाइट का जो अपीयरेंस है, जिस तरह से वेबसाइट दिखती है, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लोर कंटेंट्स ऑन। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये हमें पता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम इंटरनेट पे क्या कर सकें, सर्फिंग कर सकें, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, सर्च कर सकें, इसीलिए हम लोग ब्राउजर का यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? टू एक्सप्लोर द कंटेंट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर लिंक, ओरेकल और नन ऑफ दिस। तो कंटेंट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब WWW आपको सबको पता है ये क्या है। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो जो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसे एक्सेस करने का जो तरीका है वो क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। व्हाट इज द बेस्ट एंड पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजी व्हेन देयर इज मोर देन वन कनेक्शन बिटवीन नोड्स। नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी बेस्ट रहेगी जब एक से ज़्यादा कनेक्शन होना होगा नोड्स के बीच में? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए नोड्स क्या होते हैं। तो नोड क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है। नोड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर्स। कौन से कंप्यूटर्स? कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। वो कंप्यूटर्स जो एक किसी भी तरह के नेटवर्क पे कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? एक वे। ठीक है, हम टोपोलॉजी क्या कह सकते हैं? वे, वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स।
किसी भी नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को या फिर नोड्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी लिखा है यहाँ पर, अगर टोपोलॉजी भी हो तो एक ही बात है, ठीक है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है कैसे, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, एक और टोपोलॉजी आती है जिसे हम लोग रिंग टोपोलॉजी कहते हैं या रिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्लियर। तो ये सारी क्या है, टोपोलॉजीज हैं। तो वो टोपोलॉजी, वो नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सबके सब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, उस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, मेश टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देती हूँ सभी की सभी टोपोलॉजीज के बारे में, सो दैट अगर किसी और के बेसिस पे क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो लेट अस चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन। चलिए सबसे पहले हमने मेश टोपोलॉजी की बात की। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा तरीका कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का, फॉर एग्जांपल ये सारे कंप्यूटर्स हैं तो मैं इनको इस तरीके से कनेक्ट करती हूँ कि हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, उस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी को मैं क्या कहूंगी, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। और कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर को इंडिपेंडेंटली डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इस तरह की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या होती है, जब कंप्यूटर्स एक बस के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल्स मैं लगा रही हूँ ये क्या है, ये कंप्यूटर्स हैं और ये सारे आपस में कनेक्टेड है किससे, एक केबल के थ्रू। ये केबल आपको दिख रहा है, इसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं जब कंप्यूटर्स, इस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। और ये जो केबल जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन केबल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बस टोपोलॉजी में जो केबल होती है उसे हम लोग बैकबोन केबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर इस कंप्यूटर ने, लेट्स से ये कंप्यूटर 1 है 2 है 3 है 4 है, अगर इस कंप्यूटर ने 4 को डेटा भेजना है तो वो 2 को भी जाएगा, वो 3 को भी जाएगा, इस तरीके से होता है। इंडिपेंडेंटली किसी एक को नहीं भेजा जा सकता, वो सारे नेटवर्क पे जाता है डेटा। उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जब, इस तरीके से मैं बता सकती हूँ, जब ये स्टार की फॉर्म में आपस में कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं, इस तरीके से स्टार बनाता है जब एक व्यू आपको दिखे, उस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम लोग स्टार कहते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है या फिर सेंट्रल स्विच। स्विच और हब आपने सुना होगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। सेंट्रल हब या स्विच होता है, उससे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। स्विच के थ्रू, हब के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, उस तरह की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। अगर ये सेंट्रल हब या स्विच खराब हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हायरार्की फॉर्म होती है, इस तरीके से जब कंप्यूटर्स एक हायरार्की फॉर्म करते हुए आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ट्री की फॉर्म में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे टॉप वाला कंप्यूटर होता है, इसे हम रूट नोड कहते हैं, और जो बाकी सारे होते हैं ये चाइल्ड नोड्स होते हैं, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, ठीक है। सो ये होती हैं टोपोलॉजीज। आई गेस टोपोलॉजीज क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर सकते हो। लेट अस डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग। अपलोडिंग का प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है? आप सभी को पता है अपलोडिंग क्या होता है ना, डाउनलोड क्या होता है, अपलोड क्या होता है, ये टर्म्स तो आपको पता है। डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है, इंटरनेट से अपने डिवाइस में चीजें लाना, है ना। और अपलोड करने का मतलब क्या होता है, अपने डिवाइस से वेब सर्वर पे या इन लेमन लैंग्वेज में कहूँ, ओवर इंटरनेट चीजें डालना, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हो तो क्या करते हो, एक सर्वर पे अपलोड कर रहे हो आप चीजें, लेकिन आप वीडियो डाउनलोड करते हो तो वहां से आप अपने फोन में डाल रहे हो या लैपटॉप में डाल रहे हो। तो इनमें से कौन सा अपलोडिंग का प्रोसेस नहीं है, गेटिंग वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर, पुटिंग वेब पेजेस फ्रॉम अ वेब सर्वर, पुटिंग इमेजेस एंड फाइल्स ऑन टू अ वेब सर्वर, सेंडिंग डेटा। डेटा सेंड करना कहाँ पर, किसी भी वेब सर्वर पे, तो ये तो अपलोडिंग ही होता है, फोर्थ ऑप्शन सही है। इमेज फाइल अपलोड करना कहाँ पे, वेब सर्वर में पुट करना, मतलब अपलोड करना, ये भी अपलोडिंग ही है। पुटिंग वेब पेजेस फ्रॉम अ वेब सर्वर, जरूरी नहीं है आप कोई फाइल, इमेज, वीडियो ही करें, कोई वेब पेज भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो ये भी अपलोडिंग का ही प्रोसेस हो गया। गेटिंग, गेटिंग का मतलब क्या हो गया, डाउनलोडिंग, है ना, आप लेते नहीं हो, आप डालते हो वहां पर, तो
दिस कैन नॉट बी अ प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग. तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, डैश इज अ मैकेनिज्म विच अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंट्रा प्रोसेस सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंट प्रोसेस. तो पहले इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं और वो क्यों है वो भी चेक करते हैं. इसका आंसर क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. एक्चुअली क्या है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रॉपर्टी या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जिसमें हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने एक्शंस को, और उस पूरी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. क्लियर? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, इन कंप्यूटर पैरलेंस WAN स्टैंड्स फॉर, WAN फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, इट इज वाइड एरिया नेटवर्क. इसी तरीके से आपको LAN भी पूछा जा सकता है, MAN भी पूछा जा सकता है. तो दिस इज व्हाट, लोकल एरिया नेटवर्क. दिस इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ये क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जब हम नेटवर्क सेटअप करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, लैन मैन वैन ये सब होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट सर्फिंग में हेल्प करता है. कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, ओपेरा भी है, गूगल क्रोम भी है, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर्स हैं. कौन सा नहीं है, इंटेल कोर. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी चिप्स, नो. चार्ट्स, नो. वर्ड डॉक्यूमेंट्स, नो. HTML डॉक्यूमेंट्स. एक वेबसाइट किससे बनती है, किसकी हेल्प से बनती है, एक मैन्युपुलेटिंग लैंग्वेज की हेल्प से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, HTML. तो वेबसाइट क्या होती है, HTML डॉक्यूमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होती है, कलेक्शन होती है. जो वेबसाइट आप डिजाइन देखते हो वो इसी के बेसिस पर होती है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. HTML का फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट, डैश यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन अ सिंगल नेटवर्क. NSF नेट, NWG नेट, ARPA नेट, RPA नेट. तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्या है, ARPA नेट. ठीक है, करेक्ट आंसर है ARPA नेट. ये क्या यूज करता है, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यूज करता है, या फिर पैकेट स्विचिंग हम बोल सकते हैं. एक्चुअल में क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट. ठीक है, और नेट मींस नेटवर्क, ये है इसका फुल फॉर्म. ARPANET क्या है, ये ऐसा एक फर्स्ट नेटवर्क है जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को यूज किया. ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क हम बोल सकते हैं, जैसे हमें पता है इंटरनेट से पहले क्या था, ARPANET था. ठीक है, और उसी को अपग्रेड करके क्या बनाया गया, इंटरनेट बनाया गया. पढ़ा है ये सब हमने, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में पढ़ा है. तो ARPANET क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक फर्स्ट वेब बेस्ड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इंक्रिप्शन टेक्निक इंप्रूव्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, नेटवर्क, साइन अप, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी. तो इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कोडेड फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करना, जो क्या इंप्रूव करता है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंप्रूव करता है. तो ऑप्शन डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, द फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज इन्वेंटेड बाय. द वेरी फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली. जब हम इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम इनके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं. टिम बर्नर्स-ली वो पर्सन है जिन्होंने WWW का डेवलपमेंट किया था, है ना. तो अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट वेब ब्राउजर किसने डेवलप किया है, किसने इन्वेंट किया है, तो कौन है, टिम बर्नर्स-ली. फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम क्या था, फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना. लेकिन अब आप बोलोगे WWW तो हम वैसे भी पढ़ते हैं इन जनरल, जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं वो भी तो WWW ही है. तो फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम भी WWW ही रखा गया था, और लेटर ऑन इसे चेंज करके, इस नाम को चेंज करके क्या नाम दे दिया गया, नेक्सस. इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स आजकल पूछते हैं अभी भी कि WWW फर्स्ट वेब ब्राउजर है या नेक्सस है. ये दोनों एक ही हैं. ठीक है, पहले नाम रखा गया था WWW, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके एंड इसके बीच में.
ठीक है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो इसे दूर करने के लिए इसे रीनेम करके नाम क्या दे दिया गया, नेक्सस। तो अगर ऑप्शन में ये हो या ये हो, दोनों ही सही हैं। क्लियर? इन्वेंटर इज टिम बर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ मॉडम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन सीपीयू एंड प्रिंटर। तो सीपीयू एंड प्रिंटर, सीपीयू एंड फोन लाइन, रजिस्टर एंड मॉनिटर। तो मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम करता है फॉर बेटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, है ना। सो ये किसके बीच में कनेक्टेड होता है, सीपीयू एंड फोन लाइन के बीच में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डीएनएस इज अ होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस, डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस के बारे में आपने पढ़ा ही है, ये क्या है, नेमिंग सिस्टम है, राइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सर्वर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, HTTP इज द अंडरलाइन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब एंड दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड वट एक्शंस वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। यहाँ पर एक्चुअली क्या दिया गया है, HTTP का कंप्लीट फुल फॉर्म दिया, फुल फॉर्म नहीं, HTTP का कंप्लीट डेफिनेशन दिया गया है कि HTTP क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो वर्ल्ड वाइड वेब में हमें चीज़ों को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, मैसेजेस कैसे फॉर्मेट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, वेब ब्राउज़र और सर्वर्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे हमारी इनपुट्स का, ये सारा कौन डिफाइन करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एच टी एम एल टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। अब देखिए, मैंने आपको एच टी एम एल के बारे में बताया जो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किस लिए यूज होती है, वेब मैन्युपुलेशन के लिए, वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए, ये भी पढ़ लिया। अब जब वेब पेजेस की डिजाइनिंग होती है, ये वहां पर क्या यूज करती है, टैग्स, जो इस तरह के ब्रैकेट्स में, ये वाले ब्रैकेट्स में हम टैग्स को लिखते हैं, ठीक है। अब वेरियस टैग्स यूज किए जाते हैं डिजाइन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप ये वाला टैग लिखेंगे, अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक लिखना है तो आप इस तरीके से टैग लगाते हैं, उसी तरीके से हेडिंग टैग्स होते हैं। टोटल हेडिंग टैग्स कितने होते हैं, 6 हेडिंग टैग्स या हेडिंग लेवल्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। लार्जेस्ट हेडिंग टैग कौन सा होता है, H1, और लोएस्ट कौन सा होता है, H6। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग ईमेल, जैसे बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू, ईमेल सोर्स बेसिकली जिससे आप लोग अपने ईमेल्स एक्सेस करते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल क्लाइंट। बहुत सिंपल सी एग्जांपल, ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, कॉमन फॉर ऑल। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ईमेल और जीमेल में फर्क क्या है, तो ईमेल तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल जो एक सिस्टम है, और जीमेल क्या हो गया, ईमेल क्लाइंट, मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, OS X मेल, लोटस, ये सभी के सभी क्या है, जीमेल की तरह ही, गूगल मेल की तरह ही ईमेल क्लाइंट्स हैं। और HTTP तो हमने पढ़ लिया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आई गेस ये क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं होगा, सो क्वेश्चन विजिबल नहीं था तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर ले आए हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में डिफरेंस क्या है, ऑप्शन डी पर डायरेक्टली आते हैं, दिस इज द मेजर डिफरेंस। इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइडर एंड बेटर एक्सेस टू वेबसाइट्स टू अ लार्ज पॉपुलेशन, वेयर एज इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड। इंटरनेट और इंटरनेट में फर्क क्या है, इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, लेकिन इंट्रानेट जो है वो एक ग्लोबल नेटवर्क नहीं है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशन से ही, जो खुद उनका खुद का नेटवर्क होता है, जहाँ पर उनके खुद के एम्प्लॉयज या उनके खुद उस नेटवर्क के अंदर काम करने वाले लोग ही एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। एंड इंटरनेट इज ग्लोबल वन, एंड इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज यूज टू लॉग ऑन टू द रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच टू इंटरनेट। लॉग ऑन टू द रिमोट कंप्यूटर, जब भी हमारे पास आती है ना कि कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी सर्विस हेल्प करती है रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट का फुल फॉर्म भी है, दैट इज टेलीटाइप
नेटवर्क, क्लियर। और ये किस लिए हेल्प करता है? रिमोट कंप्यूटर को हेल्प करने में। रिमोट कंप्यूटर मतलब होस्ट कंप्यूटर को एक्सेस करने में, उसमें लॉग ऑन करने में, जिसके लिए ऑब्वियसली एक यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए रहता है। तो वही प्रोटोकॉल है टेलनेट। वीओआईपी इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे आप इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, आप लोग वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट रिले चैट। ये वो प्रोटोकॉल है जो आपके टेक्स्ट, जो आप कम्युनिकेशन करते हैं टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, वो पॉसिबल बनाता है। एंड एफटीपी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक ही डाला है, बट बिलीव मी ये 2 से 3 बार आया हुआ था प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, पिछले 4-5 साल में, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, कौन सी वैलिड है या कौन सी नहीं है, आपको 4 ईमेल एड्रेसेस दिए होंगे। तो इनमें से जो वैलिड नहीं है, यहाँ पर आंसर लिख भी रखा है ऑलरेडी, ऑप्शन 3, दिस वन, दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल। एट द रेट का साइन 2 बार नहीं होगा। आप कोई भी सिंबल, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ईमेल स्टार्ट करते हैं, जो भी आप यूजर नेम लिखते हैं कैसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद एट द रेट, उसके बाद आपका होस्ट होना चाहिए, जो भी आपका जीमेल है या याहू है, कुछ भी है, उसके बाद .com, .net, जो भी होगा, ठीक है, उसके बाद जो डोमेन नेम रहता है बेसिकली। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन ईमेल? ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ईमेल कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है, ठीक है। एफटीपी मैंने बता दिया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स असाइंस आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली? आईपी एड्रेसेस को कौन सा प्रोटोकॉल असाइन करता है ऑटोमेटिकली ओवर अ नेटवर्क? तो वो है डीएचसीपी। इसका नाम भी देखिए, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और यही काम करता है आईपी एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली असाइन करना ओवर अ नेटवर्क। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, IPv6 एड्रेसेस आर 32 बिट्स लॉन्ग, 64 बिट्स लॉन्ग, 128 बिट्स लॉन्ग और 256। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के हम लोग 2 वर्जन्स पढ़ते हैं, IPv6 एंड IPv4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो वर्जन 6 इज 128 बिट्स लॉन्ग, इसका जो एड्रेस है, एंड IPv4 इज 32 बिट एड्रेस। सो आप आंसर क्या होगा हमारा? 128। लास्ट 5 क्वेश्चंस वी हैव हियर। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ईमेल एप्लीकेशन, पता है हमें। सो दिस इज करेक्ट आंसर। IETF का फुल फॉर्म क्या होता है? IETF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है जो ओपन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है, सो दैट इंटरनेट जो है और एफिशिएंटली यूज किया जा सके। BCC, BCC का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब होता है कि जब आप ईमेल भेज रहे हैं और उसे ब्लाइंड कॉपी कार्बन कॉपीज में आप कुछ एड्रेसेस रख रहे हैं, तो दैट मीन्स वो दूसरे जो आपका रिसीवर होगा उसे शो नहीं होगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज डन बाय ऑब्वियसली मॉडम। टू सिक्योरली सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर इंटरनेट हम लोग क्या यूज करते हैं? WW, WTC, W3C या HTTPS? सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ये HTTP के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन HTTPS भी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो है ही हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तक तो सही है। और उसके बाद जो S है, जिसका मतलब होता है सिक्योर, ताकि जो आपका जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं ओवर अ नेटवर्क, वो और ज़्यादा क्या रह सके? सिक्योर रह सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप बैंक का वेबसाइट यूज़ करते हैं, आप अमेज़ॉन मिंत्रा यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, है ना। अब वहाँ पे आप लोग क्या डालते हैं? अपने कार्ड डिटेल्स डालते हैं, अपना UPI डालते हैं, कुछ भी अपने पेमेंट डिटेल्स आप लोग डालते हैं, तो वो एक सिक्योर्ड वे में आप लोग कर पाएं, ताकि कोई भी हैकर या कोई भी तरह का अनऑथराइज्ड वे में आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए ओवर अ नेटवर्क। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है विद बाय वेरियस वेबसाइट्स, आप अमेजोन चेक कीजिए, आप मिंत्रा का वेबसाइट चेक कीजिए, आप किसी भी बैंक का वेबसाइट चेक कीजिए, जहाँ पर आपको पेमेंट वगैरह करनी हो, तो उस वेबसाइट के इनिशियल में HTTP
HTTP नहीं होता, HTTPS होता है. S means secure, ठीक है. सो ये होता है हमारा प्रोटोकॉल वहाँ पे. आई गेस दिस मच क्वेश्चंस आर वेरी मच हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. अगर कोई भी डाउट रहेगा तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल कम बैक विद मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज. टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट.